आज हम मूंग दाल से वड़ी बनाने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे धुली हुई मूंग दाल ली है, बिना छिलकों वाली, जिससे कि वड़ी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं, जो बनाने में बहुत ईजी है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो के लगभग मैंने यहाँ पे धुली हुई पीली वाली मूंग दाल लिया है। इसे रात भर हमें भिगाना है। अगर हमें सुबह बनाना है तो इसे दो से तीन बार, तीन चार बार अच्छे से हाथों से मसल मसल कर ऐसे पानी में पानी बदल बदल कर हमें धो लेना है। कोई भी धूल कण है तो वो निकल जाएगा। इसके बाद हमें रख देना है पूरी रात के लिए। दूसरे दिन सुबह इसे हमें किसी ऐसे जाली पे या फिर जाली वाले बर्तन पे पानी निकाल लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना है, पूरी तरह से पानी निकल जाना चाहिए, तभी वड़ी पीसने में अच्छे से बनेंगे। बहुत पानी पानी रहेगा तो फिर बहुत ही वो लूज बन जाएगा उसका बैटर। इस तरह से हमें मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा करके हमें बिना पानी डाले, थोड़ा भी पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और हमें इसे अच्छे से पीस लेना है, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं और बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं पीसना है। ज़्यादा एकदम से पेस्ट बना लेंगे तो वड़ी सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगा। और बहुत ज़्यादा दरदरा भी रहेगा तो वड़ी हाथों से बनाते समय वो बिखर जाएगा, इसीलिए बैटर को मीडियम दरदरा ही रखना है। अब हम बैटर को एक बड़े से ऐसे बर्तन में निकाल देंगे ताकि हम बाकी मसाले मिलाने में हमें आसान हो जाए। इस तरह से कोई भी चौड़ा ऐसे बड़ा बर्तन ले लेना है। उसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके पीसते हुए हमें बैटर को डाल देना है। मैंने यहाँ पे दो बार मैंने यहाँ पे दाल को पीस के डाल दिया है। अब इसमें मैंने यहाँ पे एक इंच का अदरक, मतलब आधा कप के लगभग अदरक को मैंने कद्दूकस के डाला है। पीस के नहीं डालना है, कद्दूकस करके डालना है। इसके बाद एक चम्मच हल्दी और दो चम्मच मैंने यहाँ पे आधा किलो के हिसाब से घर की देगी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे डाला है। और थोड़ा सा मैंने हाफ टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने हींग डाला है। इससे हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और वड़ी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। उसके बाद हमें इसे हाथों की मदद से अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। इस समय इसमें नमक नहीं डालना है, नमक बिना नमक के ही हमें बनाना है, क्योंकि हम सब्जी बनाते समय हम इसमें नमक डाल देंगे। देखिए मैंने सारे मसालों को अच्छे से पीस के रख दिया, उसके बाद हमें ढक के रख देना है। अब हमें वड़ी बनाने के लिए एक ऐसे बड़े से बर्तन में या ऐसे परात में प्लेट में मैं तेल लगा के बनाऊंगी, ताकि वड़ी को हम यहाँ से वहाँ धूप में रख सकते हैं, प्लेट को इधर से उधर हम करने में आसानी हो जाती है। उसके बाद अगर आप इसे प्लास्टिक की थे उसके ऊपर भी बनाना चाहते हैं तो ऐसे बड़े से कोई ट्रे के ऊपर प्लास्टिक बिछा के उसमें थोड़ा सा तेल लगा के हमें बना सकते हैं। तेल लगाने से चिपकेंगे नहीं वड़ी परात में। अब हम अपने हाथों की मदद से अपने मनपसंद आकार, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, इस प्रकार मैंने यहाँ पे वड़ी हाथों से तोड़ तोड़ के मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब हमें प्लास्टिक में भी बना कर दिखा देती हूँ। अगर आप प्लास्टिक में बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक रहेगा। ऐसे प्लास्टिक में भी हल्का सा तेल की दो तीन बूंद डाल के हमें वड़ी थोड़े से थोड़े अंतराल में, थोड़े थोड़े दूर, नज़दीक नज़दीक नहीं बनाना है, ये सूखने में टाइम लगेगा। इसके लिए हमें थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे वड़ी अपने पसंद से छोटे बड़े आकार के बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से मैंने आधा किलो दाल से मैंने यहाँ पर तीन प्लेट और एक ट्रे में मैंने यहाँ पे इस प्रकार बना लिया। अब इस प्लेट को अभी बहुत ज़्यादा गीला है यहाँ पर, तो फिर मैं इसको घर के अंदर ही पंखे के नीचे, फैन के नीचे एक या डेढ़ घंटे के लिए इसे घर के अंदर ही सुखा लेते हैं। उसके बाद हम इसे धूप में रख लेंगे ताकि इसके ऊपर कोई भी धूल या कण इसके ऊपर ना पड़े। इसके लिए मैं इसे अभी बालकनी में नहीं रख रही हूँ, इसे घर के अंदर ही फैन के नीचे, पंखे के नीचे इसे थोड़ा सा सुखा लेते हैं। उसके बाद हम इसे धूप में रख लेंगे। देखिए धूप में रखने के बाद ये अच्छे से ऊपर से सूख जाएगा, शाम तक ये इसका कलर भी चेंज हो जाता है। देखिए मैंने बालकनी में धूप में रखा था। उसके बाद हमें धीरे धीरे करके प्लेट से को चम्मच की मदद से अगर चिपक गया है तो निकाल लेना है,
या प्लास्टिक में का तो बहुत आसानी से निकल जाता है, निकाल कर हमें उसे एक प्लेट में डाल लेना है। जब हम बड़ियों को ऐसे प्लेट में बनाते हैं तो उसे धूप में रखना आसान हो जाता है, हम यहाँ से वहाँ आसानी से ले जा सकते हैं और रात के समय हम उसे अंदर भी ला सकते हैं, इसलिए प्लेट में बनाना ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, जहाँ पर छत में अगर जगह ज़्यादा है तो आप छत पर भी बना सकते हैं। 3 से 4 दिन तक हमें इसे कड़क धूप में हमें ऐसे रखते रहना है ताकि इसकी पूरी कलर इसकी चेंज हो जाए, उसके बाद से हमें अलटते पलटते रहना है। अब बड़ी बनने में हम कम से कम 8 से 10 दिन तक लग जाते हैं। 8-10 दिन में हमारी बढ़िया बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। उसे धूप अगर अच्छी मिल रही है तो 5-6 दिन में भी तैयार। देखिए, मैंने बड़ियों को एक बड़े से प्लेट में निकाल लिया है, सारे बड़ियों को एक साथ कर लिया है और इसका कलर भी बहुत ही सुनहरा हो गया है। इसे जब बड़ियों में कलर चेंज हो जाता है और उसमें से आवाज़ें आने लगती है कर कर की, तो ये मानना है कि हमारे बड़ियाँ अंदर से भी अच्छे से सूख गए हैं, अभी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, कलर एकदम अच्छे से तैयार हो गया है इसका। देखिए, बढ़िया बिल्कुल तैयार है, इसमें से आवाज़ भी बहुत अच्छे से आ रहा है, घर घर की आवाज़। अब ये हमारा बढ़िया महंगा तैयार हो गए हैं, तो इसे हमें स्टोर करने के लिए कोई भी एक बड़ा सा कंटेनर ले सकते हैं, या तो फिर आप प्लास्टिक के बैग में भी इस बड़ियों को रख सकते हैं। मैंने इस प्रकार का एक स्टील का कंटेनर लिया है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।